बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉलर की कीमत 239 रुपए और 39 पैसे पर पहुंच चुकी है और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 244 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात करें रियाल के एक्सचेंज रेट की तो वो भी 64 रुपए होने वाला है और आज का ट्रांसफ़र रेट जो कि आपको सऊदी बैंकों से रियाल भेजने पर मिलने वाला है वो कुछ बैंकों से 63 रुपए से ऊपर है। आप देख रहे हैं मलिक चंटू यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अब्बास। और आज का रियाल रेट स्पेशल इंडिया और नेपाल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और जितने भी दोस्त रियाल भेजने वाले हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस छोटी सी वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जितने भी दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर रोज़ की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। टाइम वेस्ट किए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं एसटीसी पे से। एसटीसी पे पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 62.75 रुपये, इंडिया को 21.04 रुपये, बंग्लादेश को 28.28 रुपये, नेपाल को 34.00 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 95.92 रुपये। अब हम बात करेंगे फौरी बैंक की। फौरी बैंक पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 63.04 रुपये, इंडिया को 21.15 रुपये, बंग्लादेश को 28.25 रुपये, नेपाल को 33.54 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 95.19 रुपये। और अगर रेट देखें अलराजी बैंक का तो अलराजी बैंक पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 63.06 रुपये, इंडिया को 20.98 रुपये, बांग्लादेश को 28.31 रुपये, नेपाल को 33.81 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 95.90 रुपये। बारी आती है एएनबी टेलीमनी की। एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 63.03 रुपये, इंडिया को 21.13 रुपये, बांग्लादेश को 28.21 रुपये और नेपाल को देता है एक रियाल के 33.84 रुपये। इसके अलावा बात करेंगे एनसीबी क्विक पे की। एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 61.77 रुपये, इंडिया को 20.59 रुपये, बांग्लादेश को 27.94 रुपये और नेपाल को देता है एक रियाल के 33.51 रुपये। अब हम बात करेंगे मनीग्राम की। मनीग्राम पाकिस्तान को दे रहा है एक रियाल के 63.01 रुपये, इंडिया को 20.86 रुपये, बांग्लादेश को 28.33 रुपये, नेपाल को 33.73 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 96.21 रुपये। इसी तरह बारी आती है एक्सप्रेस मनी की। एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान को दे रहा है एक रियाल के 62.96 रुपये, इंडिया को 20.89 रुपये, बांग्लादेश को 28.19 रुपये और नेपाल को देता है एक रियाल के 33.71 रुपये। अब हम रेट देखेंगे वेस्टर्न यूनियन का। वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान को दे रहा है एक रियाल के 62.92 रुपये, इंडिया को 20.91 रुपये, बांग्लादेश को 28.35 रुपये, नेपाल को 33.99 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 96.33 रुपये। और अगर बात की जाए इंजाज बैंक की तो इंजाज बैंक पाकिस्तान को देता है एक रियाल के 63.03 रुपये, इंडिया को 21.20 रुपये, बांग्लादेश को 28.33 रुपये, नेपाल को 33.79 रुपये और श्रीलंका को देता है एक रियाल के 95.98 रुपये। रेट देख लेते हैं रियाद बैंक का। रियाद बैंक पाकिस्तान को दे रहा है एक रियाल के 62.27 रुपये और इंडिया को देता है एक रियाल के 21.12 रुपये।